हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बोट स्टेप फोर को। बोट स्टेप फोर में रेस्पॉन्सिव कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक टाइटल देते हैं, बोट स्टेप फोर रेस्पॉन्सिव कंटेंट। ठीक है गाइस, और इसके बाद हमें गूगल पे आना है। जस्ट मैं यहाँ पे बूट स्टेप फोर CDN गेट करने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से हम बूट स्टेप को गेट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये CDN है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, बोट स्टेप फोर हमें बहुत सी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को रेस्पॉन्सिव, किसी भी कंटेंट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी क्लासेस होती हैं बोट स्टेप के अंदर, तो हम उन्हीं को यूज़ करके एक रेस्पॉन्सिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेक्शन लेता हूँ, यहाँ पर टास्क देते हैं रेस्पॉन्सिव, जस्ट बेसिकली अगर हमें यूज़ करना पड़े तो CSS के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। डिव लेते हैं, क्लास लेंगे कंटेनर फ्लोन, और एक डिव लेंगे इसके अंदर रॉ क्लास लेंगे। बहुत ही स्टेप की क्लासेस हैं सारी, और एक डिव और लेंगे जो हम लेंगे कॉल MD4। पूरी स्क्रीन का साइज़ 12 होता है, यहाँ पे 12 होता है पूरी स्क्रीन का साइज़, तो हम डिवाइड करने वाले हैं 4 से, मतलब एक स्क्रीन के 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं कि स्क्रीन को। ठीक है गाइज, अब मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली एक H1 लेता हूँ, और H1 में मैं एक टाइटल दे या हेडिंग डाल देता हूँ, कुछ भी, बेस्ट रेस्पॉन्सिव हेडिंग, सिंपल। ठीक है, अब इसी के अंदर इससे पहले एक इमेज लेते हैं, इमेज कोई भी ले लेंगे। यहाँ से मैं जाऊँगा गूगल पे और एक इमेज गेट कर लूँगा, यहाँ से लाइक ब्लॉग इमेज ले लेते हैं, सिंपल लाइक दिस, और मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसका URL उठा लूँगा यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर लूँगा। इसकी विड्थ लेते हैं 100%, विड्थ परसेंट में ही लेनी है। ठीक है गाइज, अब इसको चेक करते हैं एक बार रन करके। हाँ, ये मेरी एक इमेज आ गई। इससे पहले मैं एक हेडिंग लेता हूँ, डिव लेता हूँ यहाँ पे, क्लास लेता हूँ इसकी कॉल MD12 फुल स्क्रीन पर, और इसके अंदर एक H1 लेता हूँ, यहाँ पे क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, हेडिंग को सेंटर में लिखने के लिए। यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ रेस्पॉन्सिव कंटेंट। देखिए गाइस, स्क्रीन एक क्लास ऐड करने पे ये हेडिंग सेंटर हो गई और ये ब्लॉक बॉक्स बन गया एक। अब इसी टाइप का मैं एक और बॉक्स लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं सिंपल, और मैं 3 बॉक्स बना लिए यहाँ पे फुल स्क्रीन के लिए। ठीक है, अब ये मेरा 3 बॉक्स बन चुके हैं। अब इसको रेस्पॉन्सिव कैसे क्रिएट करना है, बेसिकली ये रेस्पॉन्सिव ही है, बोट स्टेप हमें रेस्पॉन्सिव ही प्रोवाइड करता है, बट कुछ स्क्रीन पे हमने लगाया कॉल MD4, मतलब मिडिल स्क्रीन पे ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा एक रो में,
अभी हम चेक कर लेते हैं इसको स्क्रीन के साइज़ पे। ये मेरा मोबाइल व्यू है, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैं 360 पे देखता हूँ तो ये मुझे तीन पार्ट में दिखा रहा है, एक रो में तीन बॉक्स दिखा रहा है। अब अगर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैं कितना भी स्क्रीन को बड़ा करूँगा ये रेस्पॉन्सिव रहेगा सिर्फ क्लास ऐड करने पे। अब अगर फुल स्क्रीन पे भी देखूँ तो 1200 मैक्स होता है, उसके बाद कितनी भी स्क्रीन हो तो वो सेम खुलेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये फ़ोन पे ये एक रो में थ्री बॉक्स दिख रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा है थ्री बॉक्स। अगर मैं फ़ोन पे देखूँगा से तो बहुत छोटा हो जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ फ़ोन पे ये सिंगल बॉक्स दिखे। और थोड़ा मैं टैबलेट टू व्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे लाइक 768 पे जाऊँगा। ये मेरा टैबलेट व्यू है इस टाइम, और यहाँ पे मुझे ये टू बॉक्स में दिखे, ठीक है। अभी इसके लिए मैं क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे सिंपल। लाइक मुझे ये मेरा मिडिल स्क्रीन पे मुझे दिखाना है, ये मिडिल स्क्रीन पे दिखाना है सिक्स, मतलब एक रो में दो बॉक्स। और मुझे कॉल LG, थोड़ा लॉन्ग स्क्रीन पे दिखाना है मुझे इसको फोर में। और अगर मैं एक्सेल करता हूँ, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज पे दिखाना है एक रो में मुझे चार बॉक्स, तो मैं इसके लिए थ्री कर दूंगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक बॉक्स और ले ले रहा हूँ, ठीक है गाइज। अब ये मुझे मिडिल स्क्रीन पे दो बॉक्स दिखेंगे, और थोड़ी लार्ज स्क्रीन पे एक रो में तीन बॉक्स दिखेंगे, और एक्स्ट्रा लार्ज पे मुझे एक रो में चार बॉक्स दिखने वाले हैं। तो सेम क्लास को मैं इस रो के अंदर सेम क्लास को ऐड करूँगा। ये मैंने ऐड कर दिया, अब हम चेक करते हैं इसको। देखिए गाइस, ये मेरी टैबलेट व्यू है 768 पे, और ये मुझे एक रो में दो बॉक्स दिख रहे हैं। और अगर मैं मोबाइल व्यू पे जाऊंगा यहीं से, ये देखिए एक रो में दो बॉक्स दिख रहे हैं। अब मैं अगर थोड़ा जूम करता हूँ स्क्रीन को, थोड़ी लार्ज स्क्रीन करता हूँ, मैं यहाँ पे 992 पिक्सल पे जाता हूँ, तो एक रो में मुझे तीन बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है गाइस। और अगर अभी मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज पे देखूँ तो मुझे एक रो में चार बॉक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा रेस्पॉन्सिव क्लासेस थी जो बोट स्टेप प्रोवाइड करता है हमें, ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव है अभी। अच्छा, अभी मैं चाहता हूँ मेरा ये हेडिंग, अगर मैं इसको भी रेस्पॉन्सिव करना चाहूँ तो हम इसको भी रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं इस कंटेंट को। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक क्लास ऐड करूँगा, स्टाइल करूँगा इसको, फॉन्ट साइज लूँगा। रेस्पॉन्सिव लिखने के लिए इसको मैं 4BW कर देता हूँ। अभी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी मेरी हेडिंग। देखिए, ये तीन हेडिंग पे नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट वाली पे लगा रहा हूँ दिखाने के लिए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये देखिए, अभी ये सबसे बड़ी हेडिंग दिख रही है। और मैं जब मोबाइल व्यू पे जाऊँगा, ये देखिए, ये मर्ज हो जाएगी हेडिंग। और अगर मैं फुल स्क्रीन पे देखूँ एक्स्ट्रा लार्ज पे, तो ये सबसे बड़ी हेडिंग है, ठीक है गाइज। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगी स्क्रीन के पिक्सल्स के हिसाब से, ठीक है गाइस।